बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 78 सूफी टोला से समाजवादी पार्टी से पार्षद पद की संभावित प्रत्याशी जैनब परवीन के पति मोहम्मद लईक खान ने 26 जनवरी 2023 को देश में मनाए जा रहे हैं 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों, प्रदेश एवं देशवासियों को ताज पैलेस परिवार एवं समाजवादी परिवार की ओर से 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया था। वार्ड नंबर 78 सूफी टोला से सपा की पार्षद पद की संभावित प्रत्याशी जैनब परवीन के पति मोहम्मद लईक खान ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। इसीलिए हम सभी भारतीयों के लिए 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी भारतीय 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मोहम्मद लईक खान ने 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, आशा करता हूं कि सभी देशवासी 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश के संविधान और लोकतंत्र को जीवित रखने का संकल्प लेते हुए इस बात की शपथ लें कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बरकरार रखने के लिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना देश के प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। इसी के साथ ताज पैलेस परिवार की ओर से सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका मोहम्मद लईक खान।